हम पहुंच चुके हैं अपने छोटे जंगल में और पीछे चेक करें कॉकटेल और फिंचीज पर हमारी डक्स घूम रही हैं और इस साइड पर चुकोरे हैं, चूजे सब कुछ वहां पर घूम रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। और हमारा मोर चेक करें मुंह खोल के बैठा हुआ है, और इस साइड पर चेक करें तो हमारा असील बैठा हुआ है आराम सुकून से। और हमारी फियोना जो है वो आपको सामने नज़र आ रही होगी, वो सामने बैठी हुई है और चूज़ों पर नज़र रखकर बैठी हुई है। हमारी डक्स के काम चेक करें, सब्ज़ी के ऊपर सब्ज़ी खाने के लिए जो है वो फुल कोशिशें कर रही है और छापर फाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर छापर नहीं फट रहा। और ये ले इन्होंने पालक की एक डंडी निकाल ली और आराम सुकून से अब खाएंगी, और दूसरी भी लगी हुई है। और इस साइड पर चूज़े भी इनको देख कर भाग गए हैं। हमारी डक्स चेक करें कि यहाँ पर चकोरे घूम रही हैं, और इस साइड पर मोर जो है कीचड़ के अंदर पानी वगैरह कर रहा है। पानी की मैंने छोटी छोटी जो है ना वो भर के रख दी हैं, और यहाँ पर हमारी डक्स घूम रही हैं, और यहाँ पर चूजे घूम रहे हैं, और इधर हमारे कॉकटेल को पानी चेंज कर दिया। किधर जल्दी जल्दी ये प्लेट उठाए, यहाँ से सब्ज़ी वगैरह मैंने काट कर रखी है। ये बाजरा जो है वो थोड़ा सा कॉकटेल को चेंज कर दे, ऊपर से बॉक्स उठा, और कंगनी भी जो है वो हमारी फिंचिस को चेंज कर दे। और नीचे हमारी फियोना आराम सुकून से खा रही है, तो इसे खाने देते हैं। यहाँ पर हमारी कंगनी चेंज हो रही है और हमारे फिंचिस जो है वो वेट कर रही हैं, तो इनको कंगनी जो है वो रखते हैं जल्दी जल्दी। और हमारे कॉकटेल को बाजरा रख दिया, और कॉकटेल आराम सुकून से अब चेक करें कि किधर को डराने के लिए आ रहे हैं। हमारी मोरनी यहाँ पर घूम रही है, और डक्स जो है वो शोर मचाई हुई है। और इधर चेक करें कि खिजर वाले जो है वो उसके अंदर जो है वो सुराख कर रहे हैं चूज़ों के घर के अंदर, क्योंकि ये जब हम ट्रे लगाते हैं ना डेली, तो ये एक साइड पर हो जाती है और सारा खाना गिर जाता है। और नीचे चेक करें इस तरह का कुंडा बना हुआ है, ये पंखे का कुछ था तो हमने इसकी ट्रे बना दी थी, तो ये जो है इसके अंदर पक्का फिट हो जाएगा, इसलिए हम छोटा सा सुराख बना रहे हैं। ये जो है आप चेक करें कि हम जो है वो पालक वाला जो लेके जा रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि सुराख हमारा फिट आ गया या नहीं आया। ये देखिए हमने छोटा सा सुराख कर दिया है, तो अब चेक करते हैं, तो थोड़ा और खुला करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हम इसको दबा कर जो है वो पक्का कर देते हैं। देखिए अब नहीं हिल रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये देखो सुराख थोड़ा सा और खोल दो, और यहाँ पर अच्छी तरह ट्रे आ जाएगी। देखिए जी हमारी पालक वाली जो ट्रे है वो पक्की फिट हो चुकी है, चेक करें ना, अब इधर गिर रही है ना उधर गिर रही है, तो अब साइड पर होते हैं। और हमारे चूज़े बाहर वेट कर रहे हैं, तो हम जैसे ही बाहर जाएंगे तो चूज़े अंदर आ जाएंगे, हमें अंदर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और डक्स भी चेक करें कि वेट कर रही हैं कि इनका खाना भी कहीं अंदर तो नहीं रख दिया, तो इनका खाना भी देते हैं। और किधर चेक करें कि सामने बैठा हुआ है हमारे, हम जैसे ही बाहर निकले हैं तो चेक करें डक्स भी भाग गई अंदर। मुझे पक्का यकीन था डक्स आज की भागेंगी, लेकिन अब देखें उनको पता चल चुका है कि हम आ जाएंगे, तो इसलिए वो डर के मारे नहीं आ रही। और एक चूज़ा रह गया, वो भी अब अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखें हमारे चूज़े खाते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, और काफ़ी हैप्पी हैं। फियोना जो है वो खा पी कर अब फ्री हो चुकी है और हमारी तरफ देख रही है, तो बाकी इनकी सब्ज़ी पड़ी हुई है जिन जिन की, तो उनको सब्ज़ी रखते हैं सबसे पहले, अपनी चकोरों को रखते हैं, उसके बाद बाकियों को रखते हैं। हमारी सामने और इनको पता चल चुका है कि इनकी सब्ज़ी हमने रख दी है, तो अब चकोरे भी बागी जाएंगी। अब देखना चकोरे कितनी स्पीड से जाती हैं। दोनों चकोरे पहुँच चुकी हैं यहाँ पर और अपने घर के अंदर जा रही हैं। खिजर ऊपर पानी वाली वो भी पड़ी है, वो भी अंदर रख देना, और चकोरों को भी हमने बंद कर दिया, आराम सुकून से चकोरे भी रहें। और अब रह गए हैं हमारे अकेले खरगोश, तो अपने खरगोशों की तरफ चलते हैं और अपने खरगोशों को सब्ज़ी रखते हैं और पानी रखते हैं, और फिर बाकी चीज़ें करते हैं। ये जो ट्रे पड़ी हुई है ना इसके ऊपर ही रख दे, हाँ इस तरह रख दे, तो हमारी ये प्लेट जो है वो उस कॉर्नर में रख दे, हाँ वो प्लेट भी रख दी है, और ये जो ऊपर पानी पड़ा हुआ है ये बाहर निकल के ये सामने ही रख देना, तो हमारे खरगोश सुकून से खा लेंगे। और हमारे खरगोश सामने कोने में बैठे हुए हैं, दो खरगोश और एक जो बाकी अंदर जा रही है, और बाकी एक मेल जो है वो बाहर बैठा हुआ है, तो दूसरी फीमेल को शायद से बुला रही है। तो अब इनको तंग नहीं करते, आगे ईंट लगा दे तो आराम सुकून से खरगोश भी खा लेंगे, और लड़का जो ईंट लगा कर फारिग हो रहा है। यहाँ पर तो सब्ज़ी पड़ी हुई है, पता नहीं हमसाए दे गए थे। चलो इस सब्ज़ी का करते हैं कि ये हमारी डक्स जो है वो खा लेंगी, अगर स्पून से खानी हुई उन्होंने तो। हमारी डक्स को यहाँ पर सब्ज़ी फेंक देते हैं और बाकी चीज़ें भी रख देते हैं कि हमारी डक्स आराम स्पून से खा लेंगी। सब्ज़ी यहाँ पर हमने डेरी कर दी है, तो सब्ज़ी ये खानी हुई ये खा लेंगी। किधर भागा भागा जाए, वो सामने तसले में जो सब्ज़ी पड़ी है वो भी ला के डक्स के पास रख दे, ताकि ये डक्स छोटी बड़ी डक्स उसके बाद हमारी मोरनी यहाँ से खाती हैं सब्ज़ी। तो ये भी सब्ज़ी रख दिया, तो देखेगा हमारी सब्ज़ी ज़्यादा शौक से खाती हैं। वो ईंट के ऊपर ना रखता, साइड पर रख दे। आज जैसे हमने अपनी बिल्ली का नाम रखा हुआ है ना मानो और फियोना, इस तरह हम जो है वो अपनी डक्स का नाम रखने लगे हैं, छोटू गैंग और बड़ू गैंग। बड़ू गैंग जो है वो बड़ी वाली डक्स हैं, और छोटू गैंग जो है वो हमारी छोटे वाली डक्स हैं, तो हमने इनका नाम अब पक्का कर दिया है, छोटू गैंग और बड़ू गैंग। आज से इनको छोटू और बड़ू गैंग कहेंगे। इनके नाम तो ठीक हैं क्योंकि एक एक ही जोड़ी है, तो समझ लग जाएगी। और उधर हमारा बादशाह घूम रहा है, अब से हमारे असील मुर्गे का नाम है बादशाह, उनका नाम है छोटू गैंग और बड़ू गैंग।
असील मुर्गे का नाम है बादशाह और ये हमारी मोरनी यहाँ पर रानी घूम रही है। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।